नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आपको बता दें कि देर रात कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ नौगांव थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली। वहीं उमंग सिंगार ने एक वीडियो जारी कर इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा हूं। मैं इतना परेशान हो गया था कि जनता की सेवा और सुसाइड, दो में से मुझे एक को चुनना था। मैंने जनता की सेवा को चुना और मुझे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास है। देखिए क्या कुछ कहा इस वायरल वीडियो में उमंग सिंगार ने। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है। और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं, ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वो हमारी, मैं ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था, उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड निकल, तो मैं क्या मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं? तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया। जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं, ठीक है, न्याय है, न्याय की मांग करूंगा, न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब मैं जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा।